नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। बेसिकली क्रॉस रेफरेंस एक तरीके का लिंक होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी सेम डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक क्रिएट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जीएसटी टेबल लिखा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि जब भी इस जीएसटी टेबल पर हम क्लिक करें तो नीचे की तरफ हमने एक टेबल क्रिएट की हुई है जीएसटी के नाम से, हम डायरेक्टली इस टेबल पर जंप कर जाएं। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक चार्ट लिखा हुआ है कि जब भी हम चार्ट पर क्लिक करें तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आप देखेंगे हमने एक चार्ट क्रिएट किया हुआ है, हम चाहते हैं कि उस चार्ट पर यहाँ पर पहुँच जाएं। तो इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर का, किसी भी टेबल का, किसी भी इमेज का आप क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं, एक लिंक जनरेट कर सकते हैं जिसकी मदद से आप डायरेक्टली उस ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं एक क्लिक से। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल तरीके से करके देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोज़ जैसे कि MS Office, कॉरल ड्रो, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करने से पहले आपको कैप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी जिस चीज़ का हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले हमें उसका एक कैप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं टेबल पर। टेबल पर क्लिक करने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट कैप्शन का। इंसर्ट कैप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप कोई भी कैप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं जीएसटी। जीएसटी देने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लेबल आपको दिखाई देगा। इस लेबल पर आप क्लिक करके आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, कोई इक्वेशन है, कोई फिगर है, कोई लेजेंड्स है या कोई टेबल है। तो इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं टेबल को क्योंकि हमारा ये जो डेटा है वो एक तरीके का टेबल है। अब आप यहाँ पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, अबव सेलेक्टेड आइटम और बिलो सेलेक्टेड आइटम। मतलब कि आपका जो कैप्शन है वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे या बिलो यानी नीचे की तरफ दिखाई दे, तो हम इसे अबव सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई लेबल है जो कि यहाँ पर नहीं बना हुआ है तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ पर न्यू लेबल पर क्लिक करके अपना खुद का एक नया लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देते हैं ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा लेबल जनरेट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम चार्ट का एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं इंसर्ट कैप्शन पर। इंसर्ट कैप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने नाम दे दिया इसको चार्ट। चार्ट नाम देने के बाद आप यहाँ पर लेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे चारों ऑप्शन में चार्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर एक नया लेबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसे नाम देते थे हम लोग चार्ट। और चार्ट नाम देने के बाद यहाँ पर हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पर इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अबव को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसे हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका कैप्शन क्रिएट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर इस इमेज का भी कैप्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से फिर से चले जाते हैं इंसर्ट कैप्शन पर। इंसर्ट कैप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने चार्ट, इक्वेशन, फिगर, लेजेंड्स और टेबल आ रहा है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फिगर को क्योंकि ये हमारी एक फिगर है। और उसके बाद यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नाम दे दिया इसको वाईफाई। वाईफाई नाम देने के बाद यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमने अबव सेलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया इसे ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो कैप्शन है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग इसका लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी क्रॉस रेफरेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर जीएसटी टेबल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके आगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी इन सभी चीज़ों के ऊपर आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने नंबर्ड आइटम है, हेडिंग्स है, बुकमार्क है, फुटनोट एंड नोट है, चार्ट है, कैप्शंस है, इक्वेशंस हैं, लेजेंड्स हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल्स को। तो यहाँ से जैसे हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो हमने जितनी भी टेबल्स यहाँ पर बनाई हुई हैं वो सभी टेबल्स यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएंगी, यानी जितनी भी टेबल पर हमने कैप्शन बनाया हुआ है वो सभी कैप्शन आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिसमें से आप अपनी कैप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं।
तो मान लीजिए हमने यहाँ पर टेबल वन GST को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे इंसर्ट रेफरेंस टू, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप यहाँ पर दिखाना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एंटायर कैप्शन दिखाना चाहते हैं या फिर पेज नंबर दिखाना चाहते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एंटायर कैप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे GST टेबल का यहाँ पर टेबल वन का एक लिंक क्रिएट हो चुका है। हम इसे क्लोज कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही हम अपने कर्जर को इस वाले लिंक पर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको कंट्रोल के साथ जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पर लिंक क्रिएट किया था हम डायरेक्टली वहाँ पर जंप कर जाएंगे। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा कर रखते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर हाथ का निशान शो कर जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपनी टेबल पर पहुँच जाएंगे जिसका हमने कैप्शन यहाँ पर यूज़ किया था। इसी तरीके से आप बाकी के क्रॉस रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम फिर से ऊपर चले जाते हैं और अब हम चार्ट का यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। तो चार्ट के आगे हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। स्पेस लेने के बाद वापस से हम क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चार्ट का कैप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, और इसको सिलेक्ट करके सेम यहाँ से अपने फीचर को जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज नंबर को या फिर एंटायर कैप्शन को। मान लीजिए हम यहाँ पर पेज नंबर को आपको यूज़ करके दिखा रहे हैं, हम पेज नंबर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 3 आ गया, और हम यहाँ पर जैसे इसे क्लोज करेंगे और पेज नंबर 3 पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे अपने चार्ट पर जंप कर जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारे पास नेक्स्ट बचा है यहाँ पर फिगर का। तो फिगर को कैसे यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर चले जाते हैं वाईफाई वाले थर्ड ऑप्शन पर, और इसके बाद हम वाईफाई का जो हमारा कैप्शन था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और उसको सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और एंटायर कैप्शन लेकर के हम इसे इंसर्ट कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो कैप्शन था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसे हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और कंट्रोल को दबा के रखने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे हम अपनी इमेज पर जंप कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट के अंदर आप अगर लिंक क्रिएट करना चाहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जंप करने के लिए, तो बहुत आसान तरीका है क्रॉस रेफरेंस। तो इस तरीके से आप अपने एक बड़े डॉक्यूमेंट में क्रॉस रेफरेंस की मदद से काफ़ी सारे लिंक क्रिएट कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपका फिगर हो, कोई टेबल हो, कोई कैप्शन हो, एंड नोट हो, फुट नोट हो, इन सभी के ऊपर आप क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं।